हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सभी को गुड मॉर्निंग Saviko, good morning मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सभी को गुड मॉर्निंग एक बार साउंड चेक करके बताएंगे साउंड क्लियर है साउंड क्लियर है साउंड चेक करके बताएंगे सभी लोग चलिए आज के क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2023 में जो एग्जाम हुआ था सप्लीमेंट्री वाला उसका वो क्वेश्चन पेपर है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक्स का इसका हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कह रहा है क्या होता है आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल्ड इनपुट ओनली सिस्टम पैरामीटर इज हैविंग इफेक्ट ऑन द कंट्रोल्ड आउटपुट नन ऑफ द कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है यह आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है सभी लोग कमेंट करेंगे तो कंट्रोल ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जो आउटपुट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ओपन लूप में इंडिपेंडेंट होता है कंट्रोल्ड इनपुट पे। आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल इनपुट मीन्स कंट्रोल्ड आउटपुट जो है इंडिपेंडेंट होता है क्लोज लूप में आउटपुट डिपेंडेंट होता है कंट्रोल इनपुट पे वही ओपन लूप में आउटपुट जो है इंडिपेंडेंट होता है कंट्रोल इनपुट से तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा वन का ए हो जाएगा ठीक है ना आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन कंट्रोल इनपुट किसमें हो जाएगा ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में हो जाएगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कंट्रोल इनपुट से वन का ए हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है एन ऑटोमेटिक टोस्टर इज जो ऑटोमेटिक टोस्टर होता है ब्रेड टोस्टर आता है ब्रेड को गर्म करने के लिए टोस्टर का यूज करते हैं ठीक है ना तो जो ऑटोमेटिक टोस्टर जो आता है ब्रेड करने के लिए जो होता है होता वो किसका एग्जाम्पल है ओपन लूप सिस्टम का एग्जाम्पल है क्लोज क्लोज लूप सिस्टम का है है पार्शियली एनी ऑफ द ठीक ना तो जो ऑटोमेटिक टोस्टर होता है जिससे आप ब्रेड को गर्म करते हैं वो ओपन लूप सिस्टम का एग्जाम्पल है ठीक है ना ओपन लूप सिस्टम का एग्जाम्पल है ऑटोमेटिक टोस्टर जो है ये ओपन लूप सिस्टम का एग्जाम्पल है चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है ए क्लोज लूप सिस्टम डिस्टिंग फ्रॉम ओपन लूप सिस्टम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है इनमें से किस में जो है क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम में क्या डिफरेंस है क्या दोनों में अंतर है वो बताना है ठीक है ना सर्वो मैकेनिज फीडबैक आउटपुट पैटर्न इनपुट पैटर्न तो क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है फीडबैक का हम लोग यूज करते हैं क्लोज लूप सिस्टम में क्या होगा फीडबैक अगर ये आउटपुट तो फीडबैक का हम लोग यूज करते हैं यही ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है फीडबैक जो है नहीं होता इसको है इसको हम लोग फीडबैक पाथ बोलते हैं फीडबैक का यूज नहीं किया जाता है ओपन लूप लूपे और क्लोज लूप में फीडबैक का यूज किया जाता है तो ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम में क्या डिस्टिंग्विश है तो ओपन जो क्लोज लूप सिस्टम है वो फीडबैक का यूज करता है और ओपन लूप सिस्टम में फीडबैक नहीं होता है ठीक है ना फीडबैक पाथ नहीं होता है ऑप्शन बी हो जाएगा थ्री का बी हो जाएगा फीडबैक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम एफ बी डी फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका एग्जाम्पल है एल सी लैंग्वेज ब्लॉक डायग्राम ऑफ पी एल सी मॉडल ब्लॉक डायग्राम ऑफ सी पी यू मेड्यूल नन ऑफ दीज तो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम जो एफ डी एफ बी डी होता है ये ग्राफिकल लैंग्वेज होता है जिसका यूज पी एल सी में किया जाता है ग्राफिकल लैंग्वेज होता है ग्रा, ग्राफिकल लैंग्वेज फोर पी एल सी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के लिए ये ग्राफिकल लैंग्वेज होता है ठीक है ना एफ बी डी फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम जो है ये पीएलसी लैंग्वेज हो गया पीएलसी का ग्राफिकल लैंग्वेज होता है ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव है ए कंट्रोल सिस्टम इन विच कंट्रोल एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट इज एज हम आपको बताए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो है इंडिपेंडेंट होता है ठीक है ना जो इनपुट होता है वो जो आउटपुट होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल्ड इनपुट होता है डिपेंडेंट किस में होता है ये भी हम आपको बताएं तो डिपेंडेंट जो है क्लोज लूप सिस्टम में डिपेंडेंट होता है क्लोज लूप सिस्टम में डिपेंडेंट होता है और ओपन लूप सिस्टम में इंडिपेंडेंट होता है है ना क्लोज लूप सिस्टम में डिपेंडेंट होता है और ओपन लूप सिस्टम में इंडिपेंडेंट होता है चलिए सभी लोग आंसर कीजिए तो क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है डिपेंडेंट होता है आउटपुट होता है डिपेंडेंट होता है कंट्रोल इनपुट पे और ओपन लूप सिस्टम में इनडिपेंडेंट होता है तो फाइव का ए हो जाएगा five का ए फुल फॉर्म पूछा है सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा इक्विजीशन सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा इक्विजीशन पीएलसी का फुल का, का पूछा गया तो पी का क्या हो जाएगा पीएलसी का प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पीएलसी का पूछेगा तो पीएलसी का हो जाएगा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर और एस्कारा का क्या हो जाएगा सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एस्कारा एस्कारा जिसका फुल फॉर्म अभी हम लोग देखे सुपर बिजरी कंट्रोल एंड डेटा इक्विजिशन सिस्टम तो एस्कारा का कह रहा है फ्यूचर में जो है क्या इसका फ्यूचर है तो अलार्म हैंडलिंग में इसका यूज किया जा सकता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए स्काडा का यूज किया जाता है कंट्रोल फीचर यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से कंट्रोल फीचर को जो है यूज किया जाता है तो ये सभी के लिए जो है इसका, इसका का में यूज होने वाला है, या यूज किया जाता है। तो ऑल ऑप्शन डी हो जाएगा हैंडलिंग के लिए यूज किया जाता है सिक्योरिटी ऑल ऑफ ऑप्शन डी हो जाएगा सेवन का डी क्वेश्चन नंबर एट है क्या कह रहा है द इनपुट टू ए कंट्रोलर इज कंट्रोलर का जो इनपुट होता है वो क्या है सेंस सिग्नल एरर सिग्नल डिजायर वेरिएबल वैल्यू सिग्नल ऑफ फिक्स्ड एम्पलीट्यूड नॉट डिपेंडेंट ऑन डिजायर वेरिएबल वैल्यू तो इनपुट टू एक कंट्रोलर का जो इनपुट जो अप्लाई किया जाता है कंट्रोल में डेट इज एरर सिग्नल कंट्रोलर में जो इनपुट अप्लाई किया जाता है वो एरर सिग्नल को अप्लाई किया जाता है ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन साथ में सभी लोग आंसर कीजिए सभी लोग साथ में आंसर कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2023 का ही क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री एग्जाम जो हुआ था आपके सीनियर लोग के लिए उसका ही क्वेश्चन पेपर है ठीक है ना 2023 का क्वेश्चन पेपर है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एस्कार और एच एम आई में क्या डिफरेंस है एस्का और एच एम का फुल फॉर्म क्या होता है ूमन मशीन इंटरफेस ह्यूमन मशीन इंटरफेस हुमेन मशीन इंटरफेस एसकाटा का क्या होता है सुपरविजरी कंट्रोल सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा इक्विजिशन सिस्टम डेटा क्विजिशन सिस्टम <laughs> तो कह रहा है SCADA और हुमे, HMI, में क्या डिफरेंस है ठीक है ना तो ह्यूमेन मशीन इंटरफेस क्या होता है एस्कारडा का पार्ट होता है ठीक है ना ह्यूमन मशीन इंटरफेस कैन बी पार्ट ऑफ एस्कारा बट एस्कारा कांट बी पार्ट ऑफ एच एम आई एस्कारा जो है स्कडा जो है वो एचएमआई का पार्ट नहीं होगा एचएमआई जो ह्यूमन मशीन इंटरफेस है वो पार्ट होता है स्कडा का स्कडा का हिस्सा होता है ठीक है ना स्कडा का हिस्सा होता है एचएमआई बट स्कडा कांट भी पार्ट ऑफ एचएमआई स्कडा जो है एचएमआई का ह्यूमन मशीन इंटरफेस का पार्ट नहीं होगा ऑप्शन बी हो जाएगा एचएमआई जो है ये स्कडा का पार्ट होता है ऑप्शन बी हो जाएगा नाइन का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं ज प्रोग्रामिंग इज नोन एज प्रत्येक लाइन जो लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ठीक है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो रंग बोलते हैं ठीक है ना देखिए लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है दो वर्टिकल लाइन का यूज किया जाता है जिसको रेल बोला जाता है रेल ठीक है ना जो वर्टिकल लाइन हम लोग यूज करते हैं डेट इज रेल ठीक है और जो होरिजेंटल लाइन यूज करते हैं इसमें आपका किसी तरह का इनपुट हो सकता है ठीक है ना हो सकता है इस तरह का इनपुट हो मान लेते हैं हाँ तो इसको रेल बोलते हैं और ये जो होरिजेंटल लाइन होता है लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग में उसको रंग बोलते हैं रंग ठीक है ना और ये इनपुट हो गया ये दोनों से हम लोग इनपुट हो गया ठीक है ना इनपुट हो गया और ये क्वाइल हम लोग यूज करते हैं आउटपुट के लिए आउटपुट के लिए क्वाइल का यूज किया जाता है है इनपुट के लिए हम लोग या का यूज करते हैं ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है ठीक है ना नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट को ऐसे हम लोग दिखाते हैं ये एनओ कॉन्टेक्ट हो गया नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट और नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को बाय डिफ़ॉल्ट या इनिशियली मान के चलते हैं इससे करंट फ्लो नहीं करता है करंट फ्लो नहीं करता है करंट कब फ्लो करेगा जब इसको एक्टिवेट करते हैं तब इससे करंट फ्लो करना शुरू करता है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट इससे करंट फ्लो करता है ठीक है ना करेंट फ्लो करता है और जब इसको एक्टिवेट करते हैं एक्टिवेट करते हैं तो इससे पावर कट हो जाता है तब करेंट फ्लो नहीं करता है ठीक है तो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट का हम लोग एज ए इनपुट के तौर पे यूज करते हैं और क्वाइल का आउटपुट के तौर पे यूज करते हैं क्वाइल में कुछ भी हो सकता है आपका लैंप हो सकता है या फिर लाइट हो सकता है बल्ब हो सकता है ये सब हो गया तो वर्टिकल लाइन को रेल बोलते हैं और होर्जेंटल लाइन को रंग बोलते हैं वही बोल रहा है इच लाइन यूज इन लैडर लैजर पुरानी प्रत्येक लाइन जो यूज किया जाता है उसको हम लोग रंग बोलते हैं ठीक है ना होर्जेंटल लाइन और होर्जेंटल लाइन लिख दे तो और क्लियर हो जाएगा टल लाइन अगर लिख दे तो और लाइन को हम लोग रंग बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को रेल बोलते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा टेन का टेन का सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन की ओर चलते हैं क्या कह रहा है ए गुड कंट्रोल सिस्टम हैज ऑल द फीचर्स एक्सेप्ट एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम में सभी फीचर होगा एक्सेप्ट एक्सेप्ट मतलब छोड़कर छोड़कर <laughs> छोड़कर ठीक है ना? मत छोड़कर, मतलब एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम में सभी फीचर होगा किसको तो गुड तो होगा ही एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम का अच्छा होगा, आ, गुड एक्यूरेसी भी अच्छा होगा और सुफिशियंट पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी होगा ये तीनों जो है एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम में होगा बट स्लो रिस्पांस नहीं होगा रिस्पांस कैसा होना चाहिए एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम में फास्ट रिस्पांस होना चाहिए फास्ट रिस्पांस होना चाहिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कह रहा है एक एक गुड कंट्रोल सिस्टम हैज ऑल फीचर एक्सेप्ट स्लो रिस्पांस स्लो रिस्पांस नहीं होना चाहिए कैसा रिस्पांस होना चाहिए फास्ट रिस्पांस होना चाहिए फास्ट रिस्पांस होना चाहिए है ना तो 11 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा स्लो रिस्पांस नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं क्या कह रहा है द फुल फॉर्म ऑफ सी एनसी मशीन सीएनसी मशीन का फुल फॉर्म क्या होता है सी एन सी का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है सीएनसी का कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल डी हो जाएगा सीएनसी का फुल फॉर्म कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन है एक कंट्रोलर एसेंशियली इज ए एक कंट्रोलर जो है एसेंशियली क्या होता है सेंसर क्लीपर कॉम्पेरेटर एम्पलीफायर तो कंट्रोलर जो होता है वो एसेंशियली कॉम्पराटर होता है कॉम्पराटर ऑप्शन सी हो जाएगा कॉम्पराटर जिसका कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है ना कॉम्पराटर तो जब दो क्वांटिटी को कंपेयर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा मान लीजिए दो आदमी है राम और श्याम राम और श्याम अगर हम दोनों का एज को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक बड़ा होगा राम हो सकता है श्याम से बड़ा होगा ठीक है ना दूसरा क्या हो सकता है राम हो सकता है कि जो श्याम से छोटा हो और तीसरा क्या हो सकता है राम और श्याम दोनों का एज बराबर होगा ठीक है ना तो कॉम्परेटर जो है कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है कंट्रोलर एसेंशियल कॉम्परेटर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या कह रहा है पी आई डी कंट्रोलर इज वेरी इफेक्टिव फॉर डैश प्रोसेस किसके लिए पी आई डी कंट्रोलर जो है इफेक्टिव है पी आई डी प्रोपोशनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर पी आई डी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा प्रोपोशनल प्रोपोशनल इंटीग्रल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर डेरिवेटिव कंट्रोल प्रोपोर्शनल पीआईडी का फुल फॉर्म हो गया प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर और आप पीआईडी कंट्रोलर जो होता है वो किसके लिए इफेक्टिव होता है तो फास्टर प्रोसेस के लिए इफेक्टिव होता है फास्टर प्रोसेस के लिए इफेक्टिव होता है ऑप्शन बी हो जाएगा फोर्टीन का बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कर अप्रोक्सीमेटी सेंसर आर यूज्ड टू प्रोक्सीमेटी सेंसर का यूज किया था किसके लिए ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए टू मेजर टेम्परेचर मेजर करने के लिए डिस्टेंस मेजर करने के लिए स्ट्रेन को मेजर करने के लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज किसके लिए करते हैं ये आपको बताना है आंसर कीजिए सभी लोग सेंसर जो है किसके लिए यूज किया जाता है ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए टेम्परेचर मेजर करने के लिए डिस्टेंस मेजर करने के लिए और स्ट्रेन मेजर करने के लिए तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है डिस्टेंस डिस्टेंस को को मेजर मेजर करने करने के के लिए लिए यूज किया जाता है। प्रोक्सीमेटी सेंसर का यूज किया जाता है ऑप्शन सी हो जाएगा डिस्टेंस मेजर करने के लिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है करा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड बाय एल सी वी टी नहीं होगा एल भी डी टी होगा एल भी डी टी एल भी डी टी ठीक है ना विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड बाय एल भी उसको सही कर लीजिए प्रिंटिंग मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है एल भी डी टी लीनियर वेरिएबल लीनियर वेरिएबल लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर ये एक तरह का ट्रांसड्यूसर है यह क्या है एलवी डी टीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर यह क्या है एक तरह का ट्रांसड्यूसर है और ट्रांसड्यूसर क्या करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है मीन नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है तो ट्रांसड्यूसर है एलवी डी टी क्या है एक तरह का ट्रांसड्यूसर है तो कौन सा क्वांटिटी जो है डायरेक्ट एलवीडी की मदद से मेजर करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डायरेक्टली एलवी से मेजर करते हैं डिस्प्लेसमेंट है को मेजर करते हैं सिक्सटीन का ऑप्शन ए हो जाएगा प्रॉक्सीमेटी सेंसर एक सेंसर होता है डिफरेंट तरह का सेंसर आता है एजी ठीक है डिफरेंट तरह का सेंसर आता है जिसमें आपका प्रॉक्सीमेटी सेंसर आता है उसकी मदद से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करने का काम करते हैं ठीक है ना आप जाइए सिलेबस को पढ़िए ठीक है ना पूरा वीडियो अपलोडेड है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का यूनिट वाइज टॉपिक वाइज टोटल वीडियो अपलोडेड है उसको आप देखिए अप्रॉक्सीमेटी सेंसर जो है पढ़ाया हुआ है ठीक है डिटेल में अप्रॉक्सीमेटी सेंसर पढ़ाया हुआ है वहाँ जाइए वहाँ आपको मिल जाएगा ठीक है सेवेंटीन है एग्जाम्पल ऑफ इनपुट फील्ड डिवाइस एफ आई ई एल डी इनपुट फील्ड डिवाइस का एग्जाम्पल कर रहा है इंडिकेटर भल्ब पल्प पंप एंड फैंस रिले देखिए ये सब सभी जो है ना आउटपुट फील्ड डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है ठीक है ना आउटपुट डिवाइस है ये मेरे अकॉर्डिंग नन ऑफ दी इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज ये सब जो है आउटपुट फील्ड डिवाइस है इनपुट में क्या हो जाएगा इनपुट डिवाइस में इनपुट डिवाइस में जैसे कि स्विच आ जाएगा डिफरेंट तरह का स्विच जो है स्विच एज ये इनपुट डिवाइस में आ जाएगा ठीक है ना सेंसर जो है सेंसर ये इनपुट uh, डिवाइस में आ जाएगा ये सब जो है इंडिकेटर भल्ब पल्प एंड फैंस रिले ये सब जो है आउटपुट डिवाइस हो जाएगा तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होना चाहिए ठीक है ना so, स्विच सेंसर ये सब तो दिया हुआ नहीं है ठीक है तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज ये सब आउटपुट डिवाइस है इंडिकेटर हो गया हो हो गया pulp, pump and हो गया पंप एंड फैंस रिले हो गया ये सब क्या है आउटपुट डिवाइस है इनपुट डिवाइस में स्विचेस सेंसर सब हो जाएगा ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं

ऑटोमेटिक बोट ऑटोमेटेड बोटल फिलिंग स्टेशन स्मोक डिटेक्टर कह रहा है कौन सा जो है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का तो ऑटोमेटेड बोटल फिलिंग स्टेशन जो है खुद व खुद पानी जो फिल होता है ऑटोमेटेड बोटल फिलिंग स्टेशन ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का एग्जाम्पल है ठीक है ना ऑप्शन सी हो जाएगा एटीन का एटीन का सी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्या कह रहा है को में कौन सा मॉड्यूल तो सेंसर क्या है ये इनपुट डिवाइस है तो इनपुट डिवाइस है मीन्स इनपुट मॉड्यूल में लगा होगा तो uh, कह रहा है कौन सा मॉड्यूल तो इनपुट मॉड्यूल जो है इनपुट मॉड्यूल यो क्या करता है uh, कन्वर्ट करता है सेंसर्स को इनटू लॉजिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है इनपुट मॉड्यूल विच मॉड्यूल एक्सेप्ट एंड कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम सेंसर इनटू लॉजिक सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है तो इनपुट मॉड्यूल करता है इनपुट मॉड्यूल ऑप्शन ए हो जाएगा इनपुट मॉड्यूल चलिए लास्ट क्वेश्चन डैश इज एन एग्जाम्पल फॉर आउटपुट मॉड्यूल इन द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पी में कह रहा है आउटपुट मॉड्यूल का कौन सा एग्जाम्पल है ठीक है ना तो स्विच जो है स्विच तो हो जाएगा इनपुट मॉड्यूल में आउटपुट uh, मॉड्यूल में अलार्म हो जाएगा लैम्प हो जाएगा ये दोनों क्या हो जाएगा आउटपुट मॉड्यूल में स्विच क्या हो जाएगा इनपुट मॉड्यूल में हो जाएगा तो आउटपुट मॉड्यूल का कह रहा है पीएलसी में कौन सा एग्जांपल है तो अलार्म हो जाएगा लैम्प हो जाएगा ये सब आउटपुट मॉड्यूल में ऑप्शन में हो जाएगा डी वाला बोथ बी एंड सी बोथ बी एंड सी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका ठीक है ना आउटपुट मॉड्यूल में पूछा था अलार्म हो गया लैंप हो गया बल्ब हो गया पंप हो गया फैन हो गया ये सब आउटपुट मॉड्यूल में हो जाएगा इनपुट में सेंसर हो गया और स्विच हो गया ठीक है ना तो ये सब हो गया आउटपुट मॉड्यूल में तो हम लोग बीस क्वेश्चन पी, पी वाई क्यू देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन है आपका तो ये बीस क्वेश्चन जो है पी वाई की हो गया जो एग्जाम में पूछा हुआ था ठीक है ना थैंक यू थैंक यू एवरीवन